अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में कि टिकटॉक से आप कैसे घर बैठ के लाखों रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं, वो भी घर बैठ के। बहुत ही आसान और इजी काम है। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 98-99% पाकिस्तानी लोगों को पता ही नहीं कि टिकटॉक से भी अर्निंग होती है। हम सारा दिन वीडियोस जो स्क्रॉल करते रहते हैं बैठ के, कंटेंट क्रिएटर्स मतलब जो वीडियोस बनाने वाले डेली बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनकी वहां से अर्निंग हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान मोनेटाइजेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के हम किसी भी यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिकन अकाउंट्स बना के इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूके का अकाउंट बगैर वीपीएन के, विद आउट वीपीएन के, आप इजीली बना सकते हैं। बनाने का हम यूएसए का अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन यूएसए अकाउंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लाइक के यूएसए के अकाउंट में जो आपको पेमेंट रिसीव होती है वो पेपाल में रिसीव होती है, और पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है अभी तक। जैसे टिकटॉक की मोनेटाइजेशन नहीं है, जैसे फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं है, वैसे ही पेपाल भी पाकिस्तान में नहीं है। तो कुछ लोगों के तो रिलेटिव्स होंगे, लेकिन जिनके रिलेटिव्स नहीं है तो पेमेंट कैसे वसूल करेंगे। तो इसका अच्छा अल्टरनेट है यूके, मतलब लंदन का अकाउंट आप बना के यूके का अकाउंट बना के इजीली पेमेंट अपने पायनियर में विड्रॉ कर सकते हैं। पायनियर पाकिस्तान में अलाउ भी है, मैंने 2-3 वीडियो उस पर बना भी चुका हूं कि आप ऐसे पायनियर से इजीली विड्रॉ कर सकते हैं और टिकटॉक से अर्निंग आपकी सीधी आपके जैस कैश में, आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगी। तो आज हम बनाएंगे यूके अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई अपने वीपीएन यूज करनी, कुछ भी यूज नहीं करना, और इजीली अकाउंट 2-4 मिनट में बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियोस को वॉच करना। अगर आपने एक भी स्टेप जो मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर आपने स्किप किया, आपके अकाउंट बनाने में, क्रिएट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर अकाउंट बन भी गया तो आपकी अमाउंट विड्रॉ नहीं होगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना है। आपने जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा मैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आपने वहां से टिकटॉक को डाउनलोड करना है। जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में टिकटॉक की ऐप है या आपने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, उसे आपने डिलीट कर देना है। उसे आप बाद में यूज कर सकते हैं, आपको पासवर्ड वगैरह का तो पता होगा, लेकिन ओल्ड वाले टिकटॉक को आपने डिलीट कर देना जो आपके स्टे मोबाइल। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, आपने वहां से टिकटॉक को डाउनलोड करना है। स्पेशली यूके के लिए एक मोड एपीके बनी है, तो आपने वहां से इजीली उसे डाउनलोड करना है। और आपने फिर मुझे लाजमी कमेंट मत करके बताना कि सर मेरा अकाउंट बना या नहीं बना। कमेंट्स आपके पर्सनली मैं खुद रीड करता हूं और उनके रिप्लाई भी मैं खुद देता हूं। जिन जिन मेरे बहन भाइयों के कमेंट्स आए हैं उनके मैं रिप्लाई भी दूंगा, और उनके साथ ही मैं जूम का लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि फर्दर उन्हें जूम की क्लास में मैं अलाउ कर सकूं। तो आपने कमेंट लाजमी करना है, और इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर आप लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज सीखना चाहते हैं तो वो मेरा मुकम्मल कोर्स जो 2024 का अपडेट कोर्स और प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। चले अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपको मैं फिर करूंगा डिस्क्रिप्शन में से आपने टिकटॉक को डाउनलोड करना है, जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में उसे आपने डायल कर देना। बहुत ही आसान और इजी काम है। इंशाल्लाह पहले ही महीने से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और अमाउंट भी आपको पायनियर में रिसीव होगी। स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियोस को वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। यही सही टाइम है टिकटॉक से अर्निंग करने का। इसके बाद चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। लोग अभी आपको बता ही नहीं रहे कि मीन्स के किस तरीके से बैठ के आप घर बैठ के, पाकिस्तान में नहीं है टिकटॉक, कि आप पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट करके यूके यूएसए का अकाउंट अर्निंग कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, और आज मैं वो कंप्लीट दूंगा कि कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं और घर बैठ के टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद मैंने टिकटॉक को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। आपने टिकटॉक को कहाँ से डाउनलोड करना है, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करना है। आपके पास जो ऑलरेडी टिकटॉक का अकाउंट है आपने उसे डिलीट कर देना है। सबसे पहले मैं इस टिकटॉक पे क्लिक करता हूँ जो मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड किया। टिकटॉक पे क्लिक करने के बाद आपने मोड सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने करंट चेंज रीजन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करना है। इसको यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करना है। फिर हम बैक करेंगे, अगेन बैक करेंगे, इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ से आपने किसी भी तरह की 3 कैटेगरीज को चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। उस उसके बाद आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है। क्या करना है आपने? कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे आपने अपने जीमेल का अकाउंट आपने ऑलरेडी साइन अप करना है। मेरे बताए हुए मेथड के थ्रू अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। कंटिन्यू विद गूगल करना है आपने।
अपने गूगल के अकाउंट को ऑलरेडी आपने लॉग इन कर लेना अपने मोबाइल में। जैसे मैं कंटिन्यू विद गूगल करूंगा, मेरा अकाउंट 2 मिनट में बन जाएगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट में मेरा अकाउंट बन जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं आएगी। ले जी मेरा अकाउंट बन गया। ये देखें आपको ऊपर इधर लाइव का ऑप्शन भी शो हो रहा है। लाइव का मतलब यही होता है कि ये किसी यूरोपियन कंट्री का अकाउंट है। पाकिस्तानी अकाउंट आप जितने भी टिकटॉक यूज करते हैं आपको लाइव का ऑप्शन शो नहीं होता, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं टिकटॉक पे अक्सर लोग लाइव बैठे होते हैं, बाहर के मुल्क के थ्रू ऑनलाइन बैठे होते हैं, किसी और कंट्री के थ्रू, उससे भी अर्निंग होती है आपकी। ये भी मैं आपको फर्दर मजीद गाइड करूंगा। उसके बाद आपने प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्रिएटेड रूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से असल गेम शुरू होती है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हाँ भाई मैं एलिजिबल हूँ अर्निंग करने के लिए या नहीं हूँ। मतलब वो कैसे पता चलेगा, अभी देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने टिकटॉक अकाउंट में, मतलब जो पाकिस्तानी टिकटॉक अकाउंट में जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, आपको वहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं नज़र आएंगे। यहाँ देखें आपके पास टिकटॉक शॉप भी है और क्रिएटिव रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज शो हो जाएगा, गेट रिवार्ड फॉर योर क्वालिटी कंटेंट ऑन टिकटॉक। मतलब आपने कंटेंट अपना पोस्ट करना है टिकटॉक पे और वहां से अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। पहले तो आप लोगों की वीडियोस को देखते थे, लेकिन अब आप जो अपनी वीडियोस बनाएंगे लोग आपकी वीडियोस को वॉच करेंगे, अर्निंग आपको होगी। इसमें आपने 2-3 चीज़ों को लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पर आपको समटाइम डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन देगा, डेट ऑफ बर्थ का, मेरी बात हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ हमेशा आपकी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 18 साल से ज़्यादा वाला आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, हमेशा डेट ऑफ बर्थ 18 साल से ज़्यादा आपने रखनी है टिकटॉक पर, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आपको 1000 फॉलोअर्स चाहिए, इतने व्यूज़ चाहिए, 1 लाख व्यूज़ चाहिए, समथिंग। ये मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगा कि आप कैसे जल्द से जल्द अपने फॉलोअर भी कर सकते हैं और कैसे जल्द से जल्द आप व्यूज़ भी अपनी वीडियो पर लेके आ सकते हैं, व्यूज़ भी वीडियो पर लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बैक चलते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए और यह अकाउंट हमारा यूके का है। वो हम कैसे कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट यूके का है, इधर आपने आना है, फिर आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है, आपने अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अगर आपकी यहाँ से ईमेल वेरीफाई नहीं है तो आप यहाँ से ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं, आप यहाँ से ईमेल अपनी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें यहाँ पे फ़ोन नंबर पे क्लिक करता है तो 44 शो कर रहा है। 44 का मीन्स का मतलब ये होता है कि ये लंदन का यूके अकाउंट है। मैं अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला यूके में है तो आप उसका अकाउंट से ईजिली उसके नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, वहाँ से नंबर फ्री में वर्चुअली मिल जाता है, वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इजीली विद आउट बीम, मतलब कि अगर आप अकाउंट नंबर ना परचेज करें तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान और ईजी काम है, ठीक है। जहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपने अकाउंट बना लेना और लाजमी कमेंट करके बताना है कि सर मेरा अकाउंट बन गया या नहीं बना, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना। आप अपने यहाँ से पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं और उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या अगर आपका जो जीमेल में ऑलरेडी आपने वो पासवर्ड है तो उसके थ्रू लॉगिन हुआ तो अगेन आपका लॉगिन वैसे ही हो जाएगा जीमेल के थ्रू। यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर होगी, आपने 1 वीक तक कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट स्क्रोलिंग करनी है, आपने सिर्फ वीडियोस को स्क्रॉल करना और कुछ भी नहीं करना, ना आपने किसी की कमेंट करना, ना आपने किसी को लाइक करना है, ना आपने किसी को फॉलो करना। 1 वीक तक आपने अकाउंट को थोड़ा, जिसे कहते हैं बूस्टअप करना, लाइक मीन्स के ओल्ड करना है, ठीक है। पेमेंट आपने कैसे विदड्रॉ करवानी है, पेमेंट विदड्रॉ करवाने के लिए आपने पॉइंट का अकाउंट बनाना। पॉइंट का अकाउंट ईजिली आप बना सकते हैं, ईजिली कैसे बना सकते हैं पॉइंट का अकाउंट, सिंपली आपने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपने लिखना है, आपने लिखना है उमर मलिक, यहाँ से आप इजीली अपना पॉइनियर का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं मेरी इन दोनों वीडियोस को वॉच करके, जिसमें आपने अपनी पेमेंट को रिसीव करना है। होप सो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपने कंटिन्यू विद जीमेल के साथ करना है जिस तरह मैंने आपको सिखाया। डेट ऑफ बर्थ आपने 18+ रखनी है, मतलब 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, और इस तरह सिंपली 2 से 4 मिनट में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपने लाजमी करना है। चले इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक आपने अकाउंट क्रिएट करना और कमेंट में लाजमी बताना कि आपका अकाउंट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ।